पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN टीवी। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. इलेक्शन कमीशन को कौमी असेंबली के गैर हतमी नतायज मौसूल होने का सिलसिला जारी है। तहाल इलेक्शन कमीशन को कौमी असेंबली के 252 हलकों के नतायज मौसूल हो चुके हैं, जबकि 265 में से 13 हलकों के नतायज आना बाकी हैं। कौमी असेंबली में कामयाब होने वाले आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद 100 हो गई है। मुस्लिम लीग नून अब तक 71 नशस्तों पर कामयाब है, जबकि पीपल्स पार्टी के कामयाब उम्मीदवार 54 हो गए हैं। MQM के 17, मुस्लिम लीग का 3, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और जमीयत उलमाए इस्लाम के 2-2 उम्मीदवार कौमी असेंबली में पहुंच गए हैं। अलावा अजी MWM, BNP और मुस्लिम लीग ज़िया को कौमी असेंबली में 1-1 नशिस्त हासिल हुई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को EMS सिस्टम पर मौसूल होने वाले आम इंतखाबात 2024 के हतमी और सरकारी नतायज में तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने बड़ी तादाद में कामयाबी हासिल कर ली है। खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली के 44 नशिस्तों में से 25 के नतायज मौसूल हो गए और PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया है। तहरीक इंसाफ के नामजद आज़ाद उम्मीदवारों ने 24 सीटें जीत ली, जबकि JUI सिर्फ 1 नशिस्त NA 28 जीत सकी। NA 1 चित्राल से आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल लतीफ 61,434 वोट लेकर कामयाब और JUI के तलहा महमूद 42,987 वोट लेकर नाकाम हो गए। NA 4 सवा 3 से आज़ाद उम्मीदवार सुहेल सुल्तान 88,009 वोट लेकर पहले नंबर पर रहे। AWP के उम्मीदवार मोहम्मद सलीम खान 20,890 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। NA 5 दीरवाला से आज़ाद उम्मीदवार हाजी सबगतुल्ला 90,261 वोट लेकर कामयाब हुए। जमात इस्लामी के साहबजादा तारिकुल्ला 48,063 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है, 25 करोड़ आबादी वाले तरक्की पसंद मुल्क के लिए इंतशार मौजू नहीं, दुआ और ख्वाहिश है कि हालिया इंतखाबात मुल्क में मौशी इस्तेहकाम लाएं। पाक फौज के शोभा तालुकात आमा ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि आर्मी चीफ ने आम इंतखाबात के कामयाब इनेकाद पर कौम को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि इंतखाबात के इनेकाद पर निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और सियासी जमातें मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। आर्मी चीफ ने आम इंतखाबात में तमाम जीतने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि आवाम के हक के रायदही के लिए आज़ादाना शिरकत जमहूरियत के लिए उनके अज़म का सबूत है। जनरल आसिम मुनीर का कहना था, मुश्किलात के बावजूद महफूज इंतखाबी माहौल बनाने पर कानून नाफिज करने वाले इदारे ज्यादा तारीफ के मुस्तहिक हैं। मीडिया, सिविल इंतजामिया और अदलिया के तामीरी किरदार ने कौमी तारीख की सबसे बड़ी इंतखाबी मश के कामयाब इनेकाद को मुमकिन बनाया। सरबराह पाक फौज का कहना था, इंतखाबात और जमहूरियत पाकिस्तान के आवाम की खिदमत का जरिया है। गौर करना चाहिए कि आज मुल्क कहाँ खड़ा है और बाकी अकवाम में हमारा सही मुकाम कहाँ होना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि इंतखाबात जीतने और हारने का मुकाबला नहीं, बल्कि आवामी मैंडेट के तायुन की मशक है। जमहूरी कुव्वतों की नुमाइंदा हुकूमत मुल्क की मतनू सियासत को कौमी मकसद के साथ बेहतर तरीके से पेश करेगी। उनका कहना था, पाकिस्तान के आवाम ने आईन पाकिस्तान पर अपना मुश्तरक एतमाद जाहिर किया है। सियासी जमातें सियासी पुख्तगी और इत्तेहाद के साथ कौम के एतमाद का जवाब दें। 25 करोड़ आबादी वाले तरक्की पसंद मुल्क के लिए इंतशार मौजू नहीं है, दुआ और ख्वाहिश है कि ये इंतखाबात मुल्क में सियासी और मौशी इस्तेहकाम और खुशहाली लाएं। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरनशाह में फायरिंग से साबिक रुकन कौमी असम्बली मोहसन दावर जख्मी हो गए। पुलिस ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली के साबिक रुकन और नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मोहसन दावर एहतजाजी मुजाहरे के दौरान जख्मी हुए। मोहसन दावर को पाँव में गोली लगी। एहतजाजी मुजाहरा मीरान शाह में इंतखाबी नतायज की ताखीर पर किया जा रहा था। मोहसन दावर को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मोहसन दावर के साथ दीगर 3 अफराद भी जख्मी हुए। पुलिस ज़राए के मुताबिक मोहसन दावर के हामी शरपसंदों की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में 3 पुलिस अहलकार शहीद हो गए। मोहसन दावर के साथियों ने एहतजाज के दौरान आर्मी कैंप मीरान शाह के गेट पर बिला इश्तियाल फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने शरपसंदों को मुंतशिर करने के लिए जवाबी कार्रवाई की। पुरतशद्दुद एहतजाज
और आर्मी कैंप पर फायरिंग का मकसद हालात और अमन आमा की सूरत हाल को ख़राब करके सियासी फ़ायदा हासिल करना है। 9 मई केस, शेख रशीद की जमानत मंजूर, अडियाला जेल से रिहा। 9 मई के 12 मुकदमात में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के मुकदमात में शेख रशीद की जमानत मंजूर होने पर उन्हें अडियाला जेल से रिहा कर दिया। शेख रशीद के खिलाफ 9 मई के हवाले से केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने की और समाअत शुरू होते ही वक्फा कर दिया गया। वक्फे के बाद दोबारा साबिक वजीर दाखिला की दरख्वास्त जमानत पर समाअत शुरू हुई। दोबारा समाअत शुरू होने के बाद भी प्रोसिक्यूशन की जानिब से अदालत में कोई पेश ना हुआ, जबकि शेख रशीद अहमद के वकला सरदार अब्दुल रजा खान और सरदार शहबाज अदालत में पेश हुए। बाद अजा अदालत ने शेख रशीद की जमानत मंजूर करते हुए उन्हें 2 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा कराने की हिदायत कर दी और पुलिस को जमानती मचल के दाखिल कराने पर शेख रशीद को अडियाला जेल से रिहा करने का हुक्म दे दिया। बाद अजा साबिक वजीर दाखिला सरबरा आवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद को रावलपिंडी की अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया। दूसरी जानब रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के तनाजर में दर्ज 12 मुकदमात में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानतें मंजूर कर ली। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत की। पीटीआई के वकील शिराज अहमद रांझा अदालत में पेश हुए। समाअत के मौके पर प्रोसिक्यूशन की जानिब से मोहलत की इस्तेदा मुस्तरद कर दी गई। बाद अजा अदालत ने तमाम 12 मुकदमात में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानतें मंजूर करने का हुक्म सुना दिया। वाज़ेह रहे कि बानी पीटीआई उस वक्त साइफर तोशाखाना और इद्दत में निकाह केस में सजा पाने के बाद रावलपिंडी की अडियाला जेल में कैद है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज लाहौर में मसरूफ तरीन दिन गुजारेंगे। जराये के मुताबिक आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो आज लाहौर में कौमी और पंजाब असेंबली के आजाद अरकान असेंबली से मुलाकात करके उन्हें पीपल्स पार्टी में शमूलियत की दावत देंगे। जराये का कहना है आजाद अरकान असेंबली को मुख्तलिफ अहदों और मराद की भी पेशकश की जाएगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से आज बिलावल हाउस में पार्टी रहनुमा भी मुलाकात करेंगे। मुलाकात में आइंदा पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बारे में भी गुफ्तगू होगी। जराये के मुताबिक आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की आज मुस्लिम लीग नून कयादत से दोबारा मुलाकात का भी इम्कान है। मुलाकात में मरकज और पंजाब में हुकूमत साजी के बारे में मशावरत होगी।